मार्क अपनी साइकिल के पैडल चलाता है 70 दफ़ा 1 मिनट में। इनमें से कौन से मुनासिब तखमीने हैं मार्क की पैडलिंग के बारे में, उन पर निशान लगाइए। तो इसके बारे में ज़रा गौर करते हैं। 70 दफ़ा 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 70 दफ़ा 1 मिनट में का मतलब है कि अगर वो 60 दफ़ा पैडल लगाए तो वो सेकंड में 1 दफ़ा पैडल लगाएगा, और ये 70 हैं तो ये 1 सेकंड में 1 दफ़ा से थोड़ा सा ज़्यादा पैडल लगा रहा है। तो मार्क पैडल अपनी बाइक को कर रहा है 4001 सेकंड में, ये तो बहुत ज़्यादा है। और अगर ये 4001 सेकंड में होता तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे पास अदद होता 1 मिनट में, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो ये बिल्कुल गलत है। मार्क पैडल कर रहा है अपनी बाइक को 1 दफ़ा 1 घंटे में, हमें तो कहा गया है कि वो 70 दफ़ा 1 मिनट में पैडल कर रहा है, तो 1 घंटे में 1 दफ़ा कैसे कर सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये बहुत स्लो है, आहिस्ता है। मार्क जो है अपने पैडल को 1 दफ़ा 1 सेकंड में पैडल कर रहा है, तो अगर ये 60 दफ़ा 1 मिनट में करे तो ये 1 दफ़ा 1 सेकंड में होगा, तो ये 70 है, तो 70/60 जो होता है वो तकरीबन 1:1 के बराबर ही होता है, 1:1 से करीब तरीन होता है। तो इसलिए जो है ये, चूँकि ये तकरीबन जो है तकरीबन 1 दफ़ा 1 सेकंड में है, तो ये करीब तरीन है और सही है, ये काबिल कबूल है। मार्क जो है पैडल कर रहा है अपनी साइकिल को 4000 दफ़ा 1 घंटे में, तो अगर 70 दफ़ा 1 मिनट में है तो 60 से ज़रब दें तो ये घंटे में हो जाएगा। तो 70 ज़रब 60 जो है, तो 7 को 6 से ज़रब दें, 6 × 7 = 42 होता है, और 2 सिफर लगा दें तो 4200, तो ये भी जो है करीब तरीन है और ये भी काबिल कबूल है, क्योंकि तकरीबन जो है वो 4000 दफ़ा 1 घंटे में लगा रहा है, और ये भी एक सही जवाब है। इजाज़त चाहूँगा।